एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? सो यस, आई नो इट्स बीन अ वाइल, आई हैवन पोस्टेड येट, सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं थी। आई थिंक इट्स बीन अ 10 to 12 days। तो येस, आई एम बैक विथ एन अनदर वीडियो जो कि है लूज पाउडर के बारे में। मैं आज आपको रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो तीन लूज पाउडर है, तीन ब्रांड्स के, जो कि है ब्लू हेवन, लैक्मे एंड के ब्यूटी। तो ये तीन ब्रांड्स के मैंने यूज़ किए हुए हैं एंड मैं यही तीनों का आपको आज रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू, एंड उसके प्राइस, लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में सब मैं आपको बता दूंगी कि क्या है, कैसा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लूज़ पाउडर यूज़ क्यों करते हैं? जो हम लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं, हमारा जो कंसीलर हम अप्लाई करते हैं ना, तो वो सेट करने के लिए हम लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये लैक्मे के ब्यूटी एंड जो ब्लू हेवन है, ये तीनों का मैं आपके साथ आज पूरा डिटेल में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो येस, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट क्विकली डम्प इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट वन इज़ आर लैक्मे का रोज़ पाउडर विद सनस्क्रीन। तो इसमें इन लोग ने मेंशन किया है कि विद सनस्क्रीन, इट मींस इसमें सनस्क्रीन भी इन लोग ने मेंशन। इसके जो प्राइजेस है और जो परचेस लिंक है ऑनलाइन के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो येस, आई एम इन दी शेड ऑफ 01 सॉफ्ट पिंक। तो इसका जो शेड है वो सॉफ्ट पिंक है। आई थिंक इसमें दो शेड आते हैं। तो एक जो मेनली जो ये लूज पाउडर आता है वो वार्म अंडरटोन में आता है, लेकिन ये जो लैक्मे वाला है ये पिंक अंडरटोन में। अगर आपकी कूल अंडरटोन स्किन है तो इट गोज वेरी वेल टू योर स्किन, क्योंकि पिंक अंडरटोन में बहुत रेयरली मैंने देखा नहीं है कि कोई लूज पाउडर आता है। तो जो मेरी सिस्टर हैं उनको पिंक अंडरटोन चाहिए होता है, तो दे यूज़ दिस वन एंड उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी प्राइजेस जो है वो 199 rupees है। ऑफ़र में आपको 170-160 तक मिल जाएगा। ये कभी ऑफ़र हुआ तो, कोई अच्छा डिस्काउंट हुआ तो मे बी मैं प्रीफर करती हूँ डिस्काउंट जब होता है तभी लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसकी कुछ ऐसी पैकेजिंग आ जाती है। ओके, सो यू कैन सी दिस, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें एकदम छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल होल्स लोग ने दिए हैं, जिसमें से प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, थोड़ा ही प्रोडक्ट आता है। सो आई लव दिस पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ। आप स्वॉच देख लीजिए, यहाँ पे इसका कुछ ऐसा स्वॉच है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई है इसलिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आपकी जो स्किन है वो काफ़ी फेयर है, कूल अंडरटोन है, तो आप 01 पे जा सकते हैं शेड पे, और 02 शायद इसका वार्म अंडरटोन है। तो येस, अगर आपको पिंकिश अंडरटोन चाहिए तो आप ये वाला प्रोडक्ट डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। ये आपके मेकअप को अच्छे से मैटिफाई कर देता है एंड ये एक ब्राइटन इफेक्ट देता है। मे बी इसमें रोज़ पाउडर है, इसकी स्मेल भी थोड़ा रोज़ जैसी आती है, रोज़ वाटर जैसी। ओके, सो दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ आर ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर। सो आप देख सकते हैं ये रेडिएंट फिनिश लॉन्ग स्टे देता है, इन्होंने मेंशन किया है। तो येस, आई एम यूजिंग इट सिंस 1 year, आई एम यूजिंग दिस पाउडर ओनली एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस पाउडर। मुझे ये काफ़ी पसंद है पर्सनली, मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और इसकी पैकेजिंग कुछ आप ऐसी देख सकते हैं, इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी हो जाती है ना, आप देख भी सकते हैं मैंने कितना कुछ यूज़ कर लिया हुआ है इसको। सो येस, इसमें आपको ये ऐसा पफ मिल जाता है एंड ये एक वार्म अंडरटोन है, ठीक है। तो मुझे इसमें यही बात नहीं अच्छी लगती, इन लोगों ने इतने सारे होल्स दिए जो कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, जो कि वेस्ट होता है प्रोडक्ट। जैसे कि आप पफ में भी देख सकते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो येस, इसका कुछ आप पार्टिकल, एकदम फाइन पार्टिकल्स है, आपकी स्किन पे अच्छे से सेट हो जाता है, आपका कंसीलर जो है अच्छे से सेट हो जाता है, आपकी जो ग्रीसी नहीं होता है, आपका फेस जो है उसको केकी नहीं बनाता है। तो येस, कंसीलर आप जहाँ जहाँ लगाएं वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, आप पूरा फेस भी सेट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप उसको पूरा डस्ट ऑफ कर दीजिएगा। तो येस, मैं ये प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, आई एम हाईली 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 रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट टू यू ऑल। अगर आपको कोई एक मिड रेंज का, आपको कोई कम रेंज का या मिड रेंज का कोई लूज पाउडर चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। सो ये मे बी आई थिंक 150 अराउंड तक आपको मिल जाएगा, 200-150 अराउंड तक डिस्काउंट्स में। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यू कैन डेफिनेटली, अगर आप सोच रहे हैं ये लेने के लिए, अगर आपकी वार्म अंडर टोन स्किन है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ आर माई एब्सोल्यूट
फेवरेट प्रोडक्ट एंड आई जस्ट लव इट, जस्ट लव इट. सो दिस वन इज़ अ के ब्यूटी का लूज पाउडर. सो प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है आपको 799 रुपीज़ में आपको 10 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा. आपको इसमें 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनिशेस मिल जाएंगी जो कि है ट्रांसलूसेंट पाउडर, सेटिंग पाउडर और इल्यूमिनेटिंग पाउडर. तो ये 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनिशिंग आपको इसमें मिल जाएगी. इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, इट्स जस्ट लव. आई लव द पैकेजिंग ऑफ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट टू यू ऑल. सो इसका जो मैंने ब्लू हेवन का बताया बहुत ज़्यादा वार्म अंडर टोन है, आपको लगाते साथ ही थोड़ा सा येलोइश लगेगा, बट फॉर दिस आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा. इसके बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं. मैंने इसको 2 ही बार यूज़ किया एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड मैं ये इसको ही यूज़ करने वाली हूँ. हाँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू लैक्मे और जो ब्लू हेवन वन है, बट एवरी वर्थ दी पेनी है. आपकी जो मेकअप को एकदम भी केकी नहीं करता है, एकदम भी पैची नहीं बनाता है, एकदम अच्छे से आपका मेकअप सेट हो जाता है, एकदम फ्लॉलेस फिनिश देता है आपके मेकअप को. तो आपकी इसका शेड देख सकते हैं, मेरे को इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लगी. बीच में उन्होंने नेट डाला हुआ है तो उसमें से प्रोडक्ट बहुत कम प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होता है. तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट इसमें से वेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें आपको कोई भी पफ वगैरह नहीं मिलता है, इसमें आपको ब्रश से लगाना पड़ता है प्रोडक्ट को. सो येस इट डज़ वॉट इट सेज, इट डजेंट फील योर मेकअप अ केकी. सो येस आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट. अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे प्रोडक्ट में तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. सो येस दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू पार्ट. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो येस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. हाँ इस बार थोड़ा जल्दी मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी.